तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। पॉइंट चार्ज नहीं है रिंग, तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है और इस रिंग के एक्सिस के ऊपर, ये चार्ज रिंग है, इसके एक्सिस के ऊपर आपको निकालना है, जहां ई निकालना है प्लस वन चार्ज है। तो इस रिंग पे अगर क्यू चार्ज है तो आप यहां पर प्लस वन रखें। रिंग क्योंकि एक कॉन्टिन्यूस बॉडी है तो इसमें सीधा कूलम लॉ लगेगा नहीं, आप इसके छोटे एलिमेंट लेंगे। रिंग में कभी भी एलिमेंट लेने हो, रिंग सिमेट्रिकल फिगर है, इकट्ठे दो एलिमेंट लेने डायमेट्रिकली ऑपोजिट, एक नहीं लेना, एक एलिमेंट यहां एक बिल्कुल ऑपोजिट ले लेना है। ये डी क्यू, ये इसका रेडियस ए है, ये आर है, तो ये डी क्यू प्लस वन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगा, स्मॉल, क्योंकि डी क्यू चार्ज है, डी ई लगाएगा। ऐसे ये डी क्यू भी क्या करेगा, डी ई लगाएगा। तो ये आर है, ये ए है, ये पाइथागोरस से पता है, एंगल थीटा थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट से थीटा थीटा। डी ई के दो कॉम्पोनेंट है, डी ई कॉस, डी ई साइन। इस डी ई के दो कॉम्पोनेंट, डी ई कॉस, डी ई साइन, दो कॉम्पोनेंट आपस में हो गए कैंसल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, टू डी ई कॉस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, टू डी कॉस थीटा। तो ये सिर्फ दो एलिमेंट की वजह से आया, एक एलिमेंट ऊपर है, एक एलिमेंट नीचे है, अभी तो पूरी रिंग पड़ी है, अभी तो और एलिमेंट्स भी तो हैं। जब आप दो दो करके एलिमेंट लेते हो तो जानबूझ के दो दो लेते हो ताकि दो एलिमेंट आपस में इसमें कैंसिल हो जाएं और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लॉन्ग ही आना है। तो दो एलिमेंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बचा, टू डी कॉस थीटा, तो एक एलिमेंट का क्या बचा, डी कॉस थीटा। तो एक एलिमेंट ले लें, ओनली वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन को इंटीग्रेट कर दें पूरी रिंग के लिए तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगी, क्योंकि दो दो करके सारे एलिमेंट वाई एक्सिस के आपस में क्या करते जाएंगे, कैंसल। तो डी ई की वैल्यू 1/4πε0 डी क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, रूट और स्क्वेयर कट गया तो आंसर आ गया। इस डी ई की वैल्यू को उठाओ और यहाँ पे पुट करो, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल आर बाय दिस टर्म पुट कर दो, इसको इसको मल्टीप्लाई करो रेज टू पावर 3/2, इसे इंटीग्रेट करो, क्योंकि इंटीग्रेशन चार्ज की है तो सारे चीज़ों को बाहर ले आओ। 1dq की इंटीग्रेशन q है, क्योंकि पूरे रिंग पे चार्ज q है तो चार्ज की लिमिट लगेगी q, ये आंसर आ गया। नोट करो अपने फॉर्मूला रजिस्टर में, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो जब नोट करोगे तो एक रिंग बनाओ, डायग्राम साथ बनाना, ये q चार्ज बनाओ, ये a बनाओ, ये r बनाओ, और यहाँ पे E का ये फॉर्मूला लिखो ताकि याद रहे इसमें A क्या है और R क्या है, कहीं पता लगे कंफ्यूज हो जाओ घर जाके या 6 महीने बाद। R का मतलब तो रेडियस होता है, इसमें रेडियस नहीं है, A का मतलब रेडियस है, R का मतलब एक्सिस का डिस्टेंस है। तो ये फॉर्मूला नोट करें प्लीज, ये फॉर्मूला नोट करें डायग्राम के साथ। ठीक है यहां तक, तो ये एक डेरिवेशन हो गई। स्पेशल केस, स्पेशल केस है, बहुत आता है पेपर में, अगर मुझे इस चार्ज रिंग के सेंटर पे ई निकालना है तो छोटे आर को क्या पुट कर दें, जीरो, तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर पे। ठीक, तो जब आप स्मॉल आर को जीरो पुट करोगे तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगा। यानी कि एक चार्ज रिंग जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है उसके सेंटर पे ई की वैल्यू नेट क्या आएगी, जीरो। एक्सप्लेनेशन क्या होगी इसकी, जीरो क्यों, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल तो हो गया, तो सारे एलिमेंट्स ई को कैंसिल करेंगे, एब्सोल्युटली राइट। कैसे, ये देखो, ये करने की जरूरत नहीं है स्पेशल केस, सिर्फ ये देखो, अगर ये रिंग है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो, और अगर मुझे इसके सेंटर पे ई निकालना है प्लस वन, तो ये एलिमेंट इस प्लस वन को रिपेल करेगा, ये एलिमेंट भी रिपेल करेगा, नेट ई कैंसिल, ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा, नेट ई कैंसिल। अब क्वेश्चन क्या आएगा ये सुन लो, क्वेश्चन पेपर में ये आएगा, आपके पास एक चार्ज्ड रिंग है, ये रिंग जिसके सेंटर पे नेट ई जीरो है, आपने क्या किया, वो कहेगा कि इसमें से ये वाले पार्ट को आपने कट कर दिया, हल्का सा पार्ट कट कर दिया, इसका चार्ज था क्यू, रेडियस था आर, तो बची हुई रिंग ने सेंटर पे ई जीरो नहीं लगाना, क्योंकि जीरो तब लगा रहा था जब हर एलिमेंट कैंसिल हो रहा था, तो बची हुई रिंग ई कितना लगाएगी, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कैसे, ये देखो, ये जो स्मॉल एलिमेंट है जहां पे ई निकालना है प्लस वन, इसे क्या करेगा, रिपेल,
वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर के साथ इसका कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो इसका मतलब जब ये रिंग का एलिमेंट था बची हुई रिंग ने भी एग्जैक्टली सेम आंसर लगाया होगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तभी तो नेट आंसर क्या आया था, जीरो। नेट आंसर जीरो तभी था ना जब इस पॉइंट एलिमेंट ने अगर 10 वैल्यू लगाई तो बची हुई रिंग ने भी इधर 10 लगाई, 10 और 10 कैंसिल करके नेट आंसर जीरो आया था, पर उसने ये वाला एलिमेंट तो हटा दिया, तो बची हुई रिंग का एलिमेंट यानी कि बची हुई रिंग ने भी इतना ही ई लगाया था इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तभी तो नेट आंसर क्या आया था, जीरो। तो बची हुई रिंग का ई का फॉर्मूला मिल रहा है सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो लॉजिक समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो टोटल नेट फील्ड क्या था, जीरो। तो जो एलिमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन था 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर, वो कॉन्ट्रीब्यूशन बची हुई रिंग ने भी लगाया हुआ था, तो बची हुई रिंग का यही आंसर है। तो समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या लगेगा इसमें, ठीक, इसकी जरूरत नहीं है आपको करने की। तो ये रिंग का केस है।